मुक्ति का मतलब ये जो बार बार जन्म लेते हैं उससे छुटकारा, मतलब जो आत्मा होता है वो भगवान के शरीर में अंदर जाता है और उसका मिलाप होता है। मनुष्य ये आखिरी जन्म होता है मुक्ति मिलने के लिए। है ना हमारा एक दुबई में है सीए, एक बिल्डर है उधर, वो बिल्डिंग का काम लेता है अभी अभी आने वाला है वो 4 दिन हमें आता है वो कभी कभी, उसकी शादी हो गया है एक का। पैसा बहुत है हमारे पास, सब भगवान ने दिया है हमको। मेरा औरत बहुत अच्छी थी इस वास्ते हमको सब पैसा मिला अभी। वो लक्ष्मी जैसी थी अभी, अच्छी थी, उसने बहुत कमाया, हमारा साथ भी बहुत किया उसने। मैं बड़ा बेटा नीचे रहते चिपलून में रहते, अभी वो छोटा उधर ही रहते घर में, अच्छे अच्छे काम पे है अभी। हमें नहीं उधर टेंशन में आया था वो, चला बोला अभी आश्रम में जाके उधर रहेगा अभी उधर। नहीं आजू बाजू वाला काय को तुम जाता है अभी तुम्हारा घर, हम बोला हम कितना दिन का है, हम 4 दिन का रहने वाला है, बाकी उसमें कोई रहेगा अभी? हाँ वो बच्चे को रहना तो हम किधर भी घूमेगा अभी। आता आमच्या आईलाने तर 7 मुलगे झाले आणि मी 8वी, मला मागून घेतलेली, मला मुलगा पाहिजे मुलगी पाहिजे म्हणून देवीला मी तुला अर्पण करीन। जन्मल्यावर वार कापतात ना, नाळ असते नाळ, ती कापताना भंडारा टाकतात ते, ही तुला दिली म्हणून। मग नंतर 4 वर्ष जास्तानं देवापासून नेली, देवाबरोबर लग्न लावलं आणि हे देवाचं मंगळसूत्र घातलं। कराडमध्ये माझं लग्न झालं, मग मला काय मुलं बिलं झाली नाहीत, काय नाहीत, लग्न करून आणलं मला, तर मग मी सवत करून घेतली, दुसरी बायको करून दिली। मग तिला नाही तर 2 मुली 1 मुलगा झाला, ते मुलींची लहानाची मोठी केली, लग्न पिग्न झाले, मुलगा पण बघत नाही काय नाही, मुलगा पण सोडून गेला। ते माझी सून आहे ना, जी बहीण आहे ना, तिथे दिराणी आणली होती, तिच्या दिराणी ते तिकडे गा तिच्या दिराणी आणली, तिला माहिती नाही तर ते आला होता, मी त्याची माहिती करून इकडे घेतली आश्रममध्ये, त्याची आईच आली होती ते, ती आई त्याची मेली, त्याची ती म्हातारी मेली, आता मी इकडे आहे तिथे मेली। आता सहज आले आपली भांडण तंडण नाही काय नाही, मी सहज कृषीने आलेले आहे, स्वतःहून आलेले आहे। भाव पण मला येतो न्यायला, पण आता तिकडे नाही ना भावाकडे, भावाचा फोन नंबर असं तर मी फोन करायला तर आला असता, बघूया आता फोन नंबर जाताना घेऊन आता येऊन घेणार, आता जाईन ना तेव्हा घेऊन येणार आहे, आता बघूया आता काय होतं आहे, कोलूला तर आता काम आहे ना, दादा भेटत नाही ना, दादा कशी भेटेल आपल्याला, असं आहे, येतील तेव्हा येतील है ना, है ना।
तुम मुझे कैमरा में इम्प्रेशन मत करो, मैं कैसे होना नहीं चाहता हूँ कैमरा में। पुजारी के हिसाब से भी मैंने काम किया इधर लखनऊ उधर में किया है, गणपति मंदिर में काम। अभी मैं दूसरा भगवान का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी मौत आनी चाहिए भगवान के हाथ से। मतलब भगवान के हाथ से अगर मौत आती है तो मोक्ष मिलता है। अभी ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ये एक ही है, गवर्नमेंट का ही है वृद्धाश्रम, इसलिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता। बीमारी जो जून से स्टार्ट होता है दिसंबर तक, हम यहाँ के कॉट डालते हैं, हम सोते हैं 3-4 आदमी जिनके रूम में पानी सब नीचे आता है फ्लोर पर। हमारा फैन उस वक्त अभी जो जुड़ा हुआ है ना वो निकाल देते हैं, और हम दिसंबर में जैसा रूम में जाते हैं वो फैन गोडाउन में से निकाल के फिर वहाँ टंगवा देते हैं। अभी वैसे ही वो उन्होंने टंगवाया 1 दिसंबर को और चालू किया आज कितना 6 अप्रैल को। वायर जुड़ा ही नहीं था उन्होंने, हमारे एग्जाम ले रहे थे पसीने से हम हैरान हो गए। इंसिक्स ने हमें काटा, हमें नींद नहीं आती थी तो इसलिए मैं 1-2-3 बजे रात को उठता था तभी स्नान करता था, फिर कॉट पर लेटा रहता था, नींद आएगी तो आई नहीं तो नहीं। बाबा डॉक्टरकडे एकदा जाऊन या, ठीक आहे? बीपी तुमचा हाय आहे, तिथपर्यंत जगायचं, नंतर मग जायचं। तुला विलास काय? किती वर्षाचे आहे तुम्ही? कोण मी? हां 60 वर्ष। 60? लाईक जास्त असं नाही, माझी आजी 90 ची आहे, 90 च्या वरची आणखी मस्त राहती। आमचा राहून उपयोग काय, जगून उपयोग काय आम्हाला? असं काय आसरा कोणलं नाही आपल्याला, तू काय करू शकतो सांग। किती वर्षांपासून खाता मिसरी? ती गोड लागती ना, भात नाही गोड लागत, मिसरी गोड लागती तुम्हाला। नमस्कार, माझे नाव सुरेश सूर्यवंशी आहे। माझे डॉक्टर होमी बाबा बालवैज्ञानिक परीक्षेसाठी 3रा लेवलसाठी निवड झाली आहे। त्यासाठी माझा विषय वृक्षच्छेदनासाठी छात्रगट तयार करून वृक्ष लागवड व वृक्ष संवर्धन कर। तुमच्या परिसरातील प्रमुख वृक्षांची नावे? नावे आंबा, चिकू, पेरू। वृक्षतोडीचे परिणाम माहीत आहेत का तुम्हाला? परिणाम? हा परिणाम माझे मामा माझे कंबर दुखते। इधर आते हाल कैसा है, कैसा आम अपन जो पकता नीचे गिरता है ना वो अपन फेंकते हैं वैसा आदमी का इधर ही है। वो जमाने में आदमी सब कुछ कर सकता है। अभी 100 कुले 1 क्विंटल चावल का गोनी या अपना शक्कर का शुगर का गोनी हम खाने पे डाल के आ जाते थे तो उस टाइम में स्ट्रॉन्ग था, अंग में ताकत थी, 10 आदमी आया तो उसका हम झेलता था। साहिब प्रभु साहब वो है नहीं, लेकिन गुस्सा है, वो है गुस्सा रहे क्या ऐसे। टुन टुन क्या कुमकुम देखा है क्या तुमने?
टुनटुन क्या? टुनटुन वो जाड़ी थी। हाँ कुमकुम देखा है क्या? बोलो, बचपन में मैं हम हीरो था, मालूम है क्या? कसम से तुम बोला क्या झूठ बोलते हो? अभी पास आने में पिक्चर देखता था हम, 3 पिक्चर दिन में। पकड़ा रहा। अशी बसलो जागा अशी ना, तर फाटीचा हिरका उचलला आणि इथं घातला, सांगतलं इथं चाल, 5 दिवस सांगतलं इथं राहा, 5 दिवस खाली यायची मुलगी असं तुला पान नाही तर पान नव्हता फाटका आणला पान तू खेळ वाटा लावतात ना, वाटी लावतो मच्छी बिच्छी घेतो काय वाट्यावर, वाटी लावायची। घर के परिवार की तो याद आती है ना, अपना साथ में होना चाहिए करके, अभी नहीं है तो क्या करेंगे? चलो भगवान की मर्जी, खाओ पियो आराम से, लेट के सो, अपना एंजॉय करो अपना बनिए। हस्बैंड नहीं है, बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की, शादीशुदा है। लड़के से ज़्यादा नहीं बात करती, वो गाड़ी चलाते रहता है तो फिर नहीं, लड़ाई झगड़ा होता है ना दोनों का, तो मैं एक बीच में बात करेगी तो उसको गुस्सा आ जाता है बहू को, तुम क्यों बीच में बात करती है करके। वो छोटा वाला तो इतना हमारे से रिश्ता नहीं रखता, मैंने प्रॉपर्टी अकेले कोई दे दिया, वो बोलता है हमको कुछ नहीं दिया, मेरी बेटी को दिया थोड़ा सा, इतना दिन तो मैं अपनी बेटी के पास ही थी। फिर उसके बाद मेरी लड़की बोली, अभी मैं भी ससुराल वाली है ना, उसकी भी आदमी की माँ भी है, तो कैसे मेरे को सही करेगी? बोले ठीक है, किधर भी रहने का अपना दिन कितना है, अभी थोड़ा दिन तो है, जितना दिन है उतना चलाने का चलेगा। मैंने कल बेटी को फ़ोन किया, मैं बोलो मेरे को भी थोड़ा बम्बई में आने का है, रिश्तेदार से भी मिलने का है मेरे को, सब लोग की बहुत याद आती है मेरे को, तो बोले आ जाना, अभी इसकी वो कदम की और बात भी जाने वाली है ना बम्बई अपनी माँ के घर में, तो बोला उसके साथ आ जाना। अभी क्या मालूम, अभी ये गाड़ी का ट्रेन का भी ये है ना प्रॉब्लम है ना, ट्रेन भी मिलती नहीं है ना, मिलती नहीं मतलब चालू नहीं ज़्यादा, टिकट भी मिलना चाहिए। कृपया नंतर प्रयत्न करा।
अपन को लगता है तुम बाहर से क्या, हाँ बहुत आश्रम भारी है, फर्स्ट क्लास है, कि अंदर जो क्या है वो तुमको मालूम नहीं। शादी दो गई, पहली औरत मर गई, दूसरी शादी की बहुत बहुत साल निकाला, दो बच्चे थे, रिश्ता उसको बीमारी से दो बच्चे मर गए, हो गई पागल, बच्चा मर गया तो पागल हो गई ना। अब उसका इतना मैं किया क्या पूछो मत, जैसा आदमी बच्चे का संडास निकल रहा है वैसा औरत का मैं शवा गया। लेकिन लास्ट में उसने क्या किया, 2011 को जो हम लोग खाना भी खाए सोया और उठा हो, उठ के जाके उधर अंदर रूम था बड़ा वाला, उधर जाके फांसी लिया उसने, खुद फांसी। त्याच्या आई वारली होती ना, त्यासाठी नेलं होतं एक 8-15 दिवसासाठी, तर आम्ही महिनाभर ठेवलं होतं त्याला, आता आणून सोडलं आहे परत। ते आमची माझी बहीण आहे, आमचा मामा लागतो, आम्ही भाचवंड त्याची लागतो, होय 2 दिवसात होते त्याला कामधंदा सोडून कसं लगेच येणार वारून, जा आत जा जा, येतो मी परत 2 दिवसात, जा हां जा, टी व्ही लावतायत जा, टी व्ही लावलं टी व्ही बघ जा, हां जरा असून द्या लक्ष येतं।